के द्वारा ओल्ड हुड के क्लॉस को नॉकआउट किया गया। फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग ओल्ड हुड वाइप आउट हो सकती है, लेकिन टीम मायावी के मान्या फिलहाल के लिए क्रीटो को स्पॉट करेंगे। रेकनिंग के मैक्सियो पे सुल्तान का फिनिश पॉइंट लेके जाते हैं इसी बीच। दैट इज इट फॉर ओल्ड हुड। पहले मैच में आज के दिन का ओल्ड हुड गेट्स डाउन एंड आउट इन द 16th पोजीशन। बिल्कुल यहां पे टीम में गए और रुइंस के सर्कल बनते हैं, कैप्टन जरूर बनते हैं, और अगर आज ये सर्कल बनेगा एडवांटेज इनको मिलेगा। टीम एक्सपर्ट बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे यार भरोसा रख कौन है, मुझे ये भरोसा रख नाम सुनता हूं ना मुझे एक प्लेयर याद आता है जो पहले खेलते थे एक्सपर्ट के साथ, अब मुझे नहीं पता ये गिल है या अल्टोन है, बट लेट्स सी। वेल वी हैव टू वेट एंड फाइंड आउट। ओ आर जेली ऑरेंज रॉक फिलहाल के लिए काफी ज्यादा दिक्कत में आती हुई नजर आएंगे। ओ आर स्पोर्ट्स के साथ साथ फाइट चालू हो रहा है। टीम एक्सपार्क एंड क्लोज रेंज बैटल आपको देखने का मौका मिलेगा। यूएमपी एंड M16 के साथ साथ फिलहाल वीडो आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेनेड्स के साथ साथ स्मोक कवर भी बिल्ड किया जा रहा है ताकि इन्फॉर्मेशन ना मिले। ओ आर स्पोर्ट्स को वैक्सी के ऊपर एक ग्रेनेड आएगा अगर कनेक्शन मिलता है। जी हाँ कनेक्शन मिलेगा। 20 HP का श्रैपनल डैमेज ग्रेनेड से पड़ता हुआ एंड वैक्सी दिक्कत में आते हुए नजर आएंगे। दैट सेकंड ग्रेनेड फ्रॉम भरोसा रख डस कनेक्ट एंड फिलहाल ओ आर स्पोर्ट्स बैकफुट पे। देखिए ओ आर स्पोर्ट्स बैकफुट पे है, टीम एक्सपर्ट का बटाक करते हैं आपको नजर आ जाएगा। ये जो न्यू फाउंड अग्रेशन है टीम एक्सपर्ट का वो रुकने का नाम नहीं लेगा अभी के लिए। भरोसा रख आगे जाने की कोशिश करते हैं, प्लेस को स्पॉट जरूर करा, आइडिया स्कूल के अटैक करने की कोशिश। नेड उनके हाथ में यहाँ पे है, वीरू यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज कर चुके हैं, बट ये जो फ्लैंक है काफी इंपॉर्टेंट था और फ्लैंक को ब्रेकआउट करने के लिए इतने बार आते हुए अपने प्लेयर को कवर दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ओ आर न्यू वन अब एफपी का यूज करेंगे, स्मोक के अंदर एक बेटर विजन उनको यहाँ पे मिल जाएगा। Absolutely new one फिलहाल रिवाइवल देने की सोच रहे थे लेकिन पीछे सेल्सियस की टीम आ जाती है थर्ड पार्टी करने के लिए। सेल्सियस जरूर फ्री के फिनिश पॉइंट उठाना चाहेंगे एंड देखिए एक फिनिश पॉइंट उनको मिल जाता है। वैक्सी को नॉकआउट किया गया था, फिनिश स्टील किया जाता है सेल्सियस के द्वारा एंड दोनों ही टीम्स खतरे में हमें नजर आ रही है। पीछे से आएंगे ओ आर, भरोसा रख को भी नॉकआउट किया गया है। ओ आर के लिए बेहतरीन मौका रहेगा, मवी फिलहाल ओ आर के न्यू वन को नॉकआउट करेंगे। आगे बढ़ के फिनिश पॉइंट भी कलेक्ट किया जाएगा। भरोसा रख को रिवाइवल देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अभी के लिए। वार जली ही वॉन्ट्स टू डिसएंगेज लेकिन स्प्रेस काफी बढ़िया तरीके से कनेक्ट होते हुए नजर आए हैं। जी हां देखिए अभी भी यहां पे फाइट चलती हुई, प्लेयर्स फ्लैंक भी कर रहे हैं, प्लेयर्स बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट जेली जो बाहर गए थे मेरे ख्याल से गलत डिसीजन साबित हुआ उनकी तरफ से। यही अगर कंपाउंड में रहते ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते थे। मवी क्या रिवाइव कर पाएंगे एक बड़ा सवाल है। जी हां मवी रिवाइव करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट यहां पे टच करते आपको नजर आ देंगे काफी ज्यादा डैमेज यहां पे देते दे चुके हैं। मवी का बचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बट इट्स ऑल अबाउट वन बुलेट कैप्टन। एक बुलेट एक बेटर कनेक्शन यहां पे टीम एक्सपर्ट को खत्म कर सकता है, एक बेटर कनेक्शन यहां पे खत्म कर सकता है ओआर की टीम को भी। बट स्काउट कहां है बड़ा सवाल बन जाता है यहां पे। मवी के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज देते हुए नजर आएंगे एंड इट्स गोइंग टू बी मवी जो बाहर डैमेज लेकर भी आदित्य को पुश करते हुए नजर आएंगे। दैट्स गोइंग टू बी द सेकंड टीम दैट गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस मैच राइट हियर। ओल्ड हुड सबसे पहले एलिमिनेट हो जाती है, उसके बाद ओआर ईस्पोर्ट्स। वेल फिनिशेस की बात करते हैं, उनके पास जरूर दो फिनिश पॉइंट्स रहेंगे, वेल एक फिनिश पॉइंट रहेंगे। आई बिलीव सेल्सियस के द्वारा जो दूसरा फिनिश पॉइंट था वो उठाया गया था, बट जोन कहां पर श्रिंकिंग हुआ है मैं जरूर देखना चाहूंगा। रियली हैप्पी बिकॉज ओरांगुटान गेमिंग बन चुका है दोबारा से नंबर वन का दावेदार। 8 मैचेस खेल चुके हैं, 64 फिनिशेस ये टीम निकाल चुकी है, 51 ये पोजीशन पॉइंट्स देके जा चुकी है, 2 चिकन डिनर इनके पास है, 115 टोटल अंक इनके पास जाते हुए। दूसरे उन्होंने यहाँ पर लगा दिया है 9वें पायदान में, मतलब थर्ड चार्ट में थे स्पीरो को जैसे हमने चेकआउट करा था, बट अभी के लिए 9वें पायदान में 16 पॉइंट के साथ। देखिए डिफरेंस ज्यादा नहीं है टीम्स के बीच में, दैट इज वाई यहाँ पे एक अच्छा गेम आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। 69 नंबर भी उनके लिए मेरे ख्याल से काफी लकी रहने वाला है। मीनवाइल अगर बात की जाए रेकनिंग स्पोर्ट्स की 67 अंक उनके पास जाते हुए। 11वें पे आती है यूडॉक इंडिया, 59 टोटल उनके पास है। 12वें पे आता है हैदराबाद हाइड्राज, 10 टॉप 10 से बाहर हो गया। आज का दिन इतना अच्छा गया अभी के लिए भी मैं यही कह सकता हूँ। कल का दिन बहुत अच्छा था, आज का दिन भी डिसेंट था, एवरेज था, ऐसा नहीं था कि खराब गया उनका, बट 57 अंकों के साथ। टीम नगेट की बात करें उनकी तरफ से एक अच्छा उछाल हमें देखने को मिलता हुआ नजर आया, तो मतलब टीम नगेट एक्सपर्ट एनिग्मा गेमिंग इनकी तरफ से एक अच्छा उछाल हमें देखने को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। अगर नहीं आते आज वो 4 में से एटलीस्ट वो 2-3 मैच में अच्छे प्रदर्शन तो शायद अपनी टीम को नहीं ला पाते हैं हैशटैग मतलब सेकंड चार्ट पे। अब थर्ड चार्ट की बात की पता है उसके भी पांचवा प्लेयर नहीं अपना नया टीममेट जो खेलेगा लाइनअप में वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है फर्स्ट और आया था उसके बाद सर्वाइव कर पाए क्योंकि ये जो बाकी है कभी ब्लास्ट हो जाएगी और गान पटेंगे कह रहे लोन नहीं हो लोगों को पता चल जाएगा ना भाई 1-1.5 महीने तक वही चलता रहेगा कि वैसे ही होगी मतलब लेकिन हम तब भी नहीं बताएंगे हम भी नहीं बताएंगे और वो भी नहीं बताएगा क्यों है क्योंकि हम क्योंकि आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे गान मारोगे और उनकी भी गान मारोगे तो हम नहीं चाहते तुम लोग जितने भी चैट में डाल रहे हो ना वो नहीं है बहुत अनएक्सपेक्टेड है तुम लोग सोच भी नहीं सकते जब अनाउंसमेंट हो जाएगा तुम्हारी गान फट जाएगी तुम्हारी तुम लोग बोलेंगे भाई ये क्या हो गया और उधर भी आधे से ज्यादा चूते लोग आ जाएंगे हेड देने अरे
और वो ओजी प्लेयर है, ओजी का मतलब समझो, ओजी मतलब ओजी किसको बोलते हैं मालूम है क्या? फॉर एग्जांपल नियो, जॉनी, मावी, स्काउट, जो लोग बहुत पहले से ये खेल रहे हैं, कॉम्पे खेल रहे हैं, उनको बोलते हैं ओजी, और अभी भी वो कॉम्पी में टिके हुए हैं। भाई कोई गेस नहीं कर पाया, कोई नहीं भाई, अभी भी जो लिख रहे हैं एक भी नहीं है भाई। गेस नहीं कर सकते तुम लोग, मतलब मैं तो बोलता हूँ कल तक नहीं कर सकते। एसजी की टीम ब्रो, ये क्या है? ओ गाइस, ये हो रहा है क्या? डार्क भाई इन एसजी और वार्ड, मेरे भाई नाइस चॉइस। अगर मतलब ऐसे कर रहा हूँ, अगर कर रहे हैं तो अच्छा है, मतलब नाइस पिक। ये एंटी स्लेयर कब हुआ? अब नाम चेंज कर दिया थे सही में? हाँ हाँ, अबे क्योंकि वो छोड़ गया तुम्हारा, पता है मैं क्या बता रहा था? डार्क एसजी जा रहे हैं यहाँ तक है, हाँ ड्राइवर दे रहा है। यस भाई, तो तभी वहाँ पे फिर दो तीन चेंजेस हुए ना। मैं गाइस बोल नहीं रहा कि छोड़ गया डार्क, बट हाँ ट्राईआउट तो देता दिख रहा है भाई, अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और फिर ये वाले चेंजेस में तो मुझे समझ आ रहा है कि स्लेयर ने छोड़ा ये सब, वो सब बिल्ड टीम आया स्लेयर, समझ जाओ।